नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मिशन की आवाज, जी मैं भूपेंद्र सिंह सोनवाल। दोस्तों लगातार दलितों पर अत्याचार की घटनाएं राजस्थान में बढ़ रही हैं। जी हां, एक घटना निकल के आई है राजस्थान के करौली जिले से, जहां पर सूरत स्थित दनावली के एक स्कूल में प्रधानाध्यापक द्वारा दलित बच्ची के साथ गलत हरकत की गई। जी हां, इसको लेकर उसकी मम्मी से बात की गई और आज दनावली में हाईवे को जाम किया गया। सुना आप उसकी मम्मी ने क्या कहा? आप हमें बताएं क्या घटना हुई है, किस घटना को लेकर आज आपने रोड जाम किया? मेरे लड़के के साथ में, और 9 बजे लंच में आई थी गोल दवाई लेने, तो गोल दवाई लेके और खाना खा के और स्कूल में चली गई, तो एक गुरुजी बोला खनते आई है लड़की कि गुरुजी मैं घर से आई हूँ दवा गोली लेने, तो फिर हाथ पकड़ के भीतर ऑफिस में ले गया। ऑफिस में ले जाके कहने का अत भी जाएगी कि नहीं गुरुजी नहीं जाऊंगी, तो इधर आ ले जाके कंधा पर हाथ फेर के नहीं और शरीर पर हाथ फेर रही हूँ, शरीर पर हाथ फेर के नहीं, गुरुजी मो छोड़ दो, गुरुजी मो छोड़ दो, कह नहीं छोड़ूंगा, इधर आ के बार के पीछे हो। लड़की मेरी सब जोड़ते रोने लगी, मम्मी तो कहूँगी पापा तो कहूँगी, जब यूँ कही चमार डेढ़ा तो यही ला के रो रो के क्यों डर पा रही है मुझे। इसको लेकर जो ग्रामीण थे उनसे भी बात की गई, सुना आप ग्रामीणों ने क्या कहा, किस घटना को लेकर आज आपने रोड जाम किया? सर वेद प्रकाश शर्मा, धंधावली राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय धंधावली में ड्यूटी है उनकी, हेड HM है। उन्होंने बच्ची के साथ में गलत हरकत की, इसलिए। कितने टाइम तक रोड जाम किया? लगभग 1 घंटे के लिए, एक सवा घंटा। फिर पुलिस प्रशासन आया यहाँ पे? हाँ, पुलिस प्रशासन आया। क्या आश्वासन दिया पुलिस प्रशासन ने आपको? उन्होंने 164 के बयान करके और शीघ्र गिरफ्तार करने। भीमार्मी के जिला प्रभारी अमित करसोलिया पहुंचे, सुने क्या कहा अमित करसोलिया ने। जी क्या कहेंगे अमित जी इस घटना को लेकर? आए दिन राजस्थान में इस तरह की घटनाएं हो रही हैं और इन घटनाओं पर सरकार का बिल्कुल भी ध्यान नहीं है, और अब भी एक छोटी 12 साल की बच्ची के साथ में एक निंदनीय घटना हुई है। एक विद्यालय का जो प्रधान अध्यापक होता है वो इस तरह की घटनाएं करेगा तो आगे आने वाले बच्चों का भविष्य कहाँ जाएगा? तो इस क्रम को लेकर के आज गांव और पूरे समाज ने चक्का जाम भी किया, यहाँ रोड रोका, उसके बाद में प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि आज ही के दिन 164 के बयान होंगे, उसके अलावा अपराधी को गिरफ्तार किया जाएगा। और हम शासन प्रशासन से ये मांग करते हैं कि जल्द से जल्द अपराधी को गिरफ्तार कर लें, नहीं तो भाई चंद्रशेखर के आने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और फिर आंदोलन नहीं, हम उग्र आंदोलन करना भी जानते हैं, क्योंकि सरकार अभी 2 अप्रैल को भुला नहीं पाई होगी।